तमाम दर्शकगण अंतिम लम्हों में हमारी फाइनल मैच है भाई, 200 रन बनाने 248 मुजफ्फरपुर को। पहले बैटिंग करते हुए बोगी 11 वैशाली ने बनाई है 248 रन का टारगेट रखा है। सुप्रीम ने 4 गेंद पे 4 रन बनाए, 28 गेंद पे 48 रन, अभिषेक ने 16 गेंद पे 22 रन और छोटू ने 21 गेंद पे 31 रन, विवेक ने 6 गेंद पे 6 रन, आलोक ने 22 गेंद पे 60 रन, सुधांशु ने 9 गेंद पे 24 रन, गोलू ने 17 गेंद पे 38 रन पारी खेली है भाई। ये है टीम जीतने के लिए 211 वैशाली टीम की पावर प्ले, सी ओवर का बैटिंग पावर प्ले है और मेरे हिसाब से स्टार 11 की टीम पावर प्ले में जितना रन बनाएगी उसके हिसाब से आप तमाम दर्शकों को पता चल जाएगा कि कौन सी टीम विजेता बनेगी। अगर पावर प्ले में चंदन बाला का अगर बल्ला जिस तरह से कल उन्होंने खेल का परिचय दिया है, आज भी अगर उस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो उनके टीम अच्छी शुरुआत जरूर मिल सकता है। स्ट्राइकर गेंदबाज है छोटू, विकेट का पर सुधांशु के साथ तैयार, अंपायर को क्रॉस किया यज्ञ और शुरुआत कर दिया है छक्के से। सोनू के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का, माधव मोबाइल छक्का, मोबाइल घर छक्का, तमाम भावा स्कूल छक्का और कृषि सिक्स ड्राइविंग लिमिटेड छक्का, ये तमाम आज बहुत सारा उपहार है। तमाम दुकानदारों से मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी आवाज थोड़ी सी भाई जफर इंजन को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देखो सब्सक्राइब कर ले भाई, इसलिए सब दुकानदार का जरूर अभिनंदन करेंगे। एक बॉलिंग पर 6 करके दिया है राहुल जो स्कोरिंग करे, इनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट है, बुमराह के भी चेहरे पे, दो गेंदों पर दो छक्का लगा दिया है, हैट्रिक छक्के पे आ गए हैं सौरव और हैट्रिक छक्के पे इनामों की वर्षा। रोमी यादव आज तमाम दर्शक भी आतिश बाजी करते हुए फिर से छोटे भाई आ गया बोल बोल, क्या जोश दिखाया छोटे ने, काफी उत्साह और इस तरह से भाई आउट हो वापस जा रहे भाई, और पश्चिम के गलिया में घेर दी और 12 के स्कोर पर पहला छक्का लगता हुआ और बहुत ही शानदार इनाम रखा गया है। देखते रवि शर्मा के कौन आते हैं, रोहित मिश्रा जी के तरफ से प्रत्येक विकेट पे 1000 का इनाम है, प्रत्येक विकेट पे 1000 का इनाम। अंपायर साहब का कुछ आदेश है, अतिथि देख लेंगे, गेंद मंगवा रहे सर भाई, आप लोग शेयर करते रहे भाई, जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते जफर इंजन को फॉलो करें, यूट्यूब पे देखे तो सब्सक्राइब करें ना भाई। इन्हें भाई सबसे ज्यादा रन बनाए आलोक ने आज 64 रन। विक्रम जी अंपायरिंग की भूमिका में है, मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी है, इस ग्राउंड पे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है अपने युवा क्रिकेटर को और आज इतना बड़ा दायित्व इनके कंधे पे है और पूरा दायित्व का अपना अनुभव का पूरा परिचय दिखाते हुए विक्रम जी और रंजीत यादव सभी दर्शकों का अभिनंदन है। शुभम जी भी है उपस्थित, राजन जी है, अमल राजा का भी अभिनंदन है और आज इस मैच को देख रहे हैं अर्जुन कलेबन को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, फिर से ढीले बल्ले से खेला है, संदीप आए हैं बल्लेबाजी करने, अच्छे फील्डिंग वहां पे लेग शॉट खिलाई विपिन गुप्ता के द्वारा, पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ, हैट्रिक के चक्कर में बोल्ड होकर पवेलियन वापस चले गए, फिर से उसको खेल दिया, उसके पीछे खिलाड़ी सुप्रीम है जो कैप्चर है अपने टीम के, अच्छे फील्डिंग सुप्रीम के द्वारा और इसी के साथ टीम का भी बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, पहला ओवर चलता हुआ। तमाम दुकानदारों का अभिनंदन है स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में।
एक इनाम और आ गया है, ऋषभ सिंह लल्ला, इनके तरफ से भी प्रत्येक विकेट पे 500 का इनाम। शमी भाई भी खेल रहे हैं, देख सकते हैं इधर। रोहित मिश्रा जी के तरफ से प्रत्येक विकेट पे 1000 का इनाम है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ रोहित मिश्रा जी का, और ऋषभ लल्ला का भी अभिनंदन है। न्यू गेम्स चंदन जी, थोड़ा सा मनोज जी आप देख ले, अंपायर को थोड़ा सा देखते रहे, अंपायर की डिमांड को आप लोग पूरा करेंगे समय को देखते हुए। और जो टेंट के ऑनर है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप एक लाइट की व्यवस्था जरूर कर दें हमारे पेनल्टी बॉक्स के पास, कि जब लास्ट में आप तमाम दर्शकों के बीच में यह अंतिम महामुकाबला, ये खूबसूरत सा ट्रॉफी, खासकर आज बगल के पड़ोसी हमारा भी विधानसभा है दोस्तों, हम लोग पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरी घर है, और आज इस महुआ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे नेता का अपने अपने पोस्ट पे जरूर गए हैं, लेकिन आज जिस तरह से बहुत आयोजन करता जो उपसभापति रोमी यादव जी का हम अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने तमाम युवाओं को दिल को जीता है, और आज फिर से वह मंच पर उपस्थित होंगे, अंतिम बार हम तमाम दर्शकों के बीच उन सब खातिर जरूर करवाएंगे। ओके गादिर भाई, मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट भाई, पढ़ रहा हूँ, जरा सा कुछ खा रहा हूँ मैं, बस पढ़ रहा हूँ मैं कमेंट। अंपायर रंजीत जी का एक सर आता हुआ वाइड, एक इनाम और ऐड हुआ है मैन ऑफ द मैच में, सावर के तरफ से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, मैन ऑफ द मैच दीपक पाइप सावर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से उसको खेल गया, उसके पीछे खिलाड़ी गोले है भाई, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ भाई, किसी का कमेंट छूट नहीं रहा है, फाइनल बस खा रहा था, इस वजह से मैं जवाब नहीं दे रहा था। क्योंकि 11-22 साल की टीम बहुत अच्छी दमखम वाली टीम दिखी है, पावर प्ले का दूसरा धर चलता हुआ, फिर से उसके हाथ में कैच ड्रॉप, और यहाँ पे थोड़ी सी हमें भी दिक्कत होती है इस साइड, जो ए प्लस स्पॉट का जो साइज स्क्रीन बनाया गया है उनके तरफ से भी कौशिक जी, कन्या जी, सभी लोगों का अभिनंदन है। आउट हुआ है सोनू, आउट हो गया भाई सोनू, क्या बात, को डी लेवल से खेला, उसके पीछे खिलाड़ी कैप्टन सुप्रीम है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया इस तरह से धीरे धीरे, अभी नजारे खेलना बचा है भाई, अभी आउट नहीं हुआ नजारे को, अभी बैटिंग करना आना बचा है। रन दूसरा चल रहा है, एक खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद आज नजारे डेंजर राजा कैप्टन गोविंद से काफी उम्मीद हो रहा है। कान शेयर कर दो भाई, जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दे रहे हैं, खेल जाएगी बॉलिंग बार सिक्स है, और अंपायर का इशारा 6 रन, दर्शक जो कैच ले रहे हैं कम से कम आप बाउंड्री लाइन पे आने दीजिएगा, उसके बाद आप कैच लीजिएगा, छक्के के साथ इनाम भी मिलता हुआ, भाभा आवासीय स्कूल छक्का, कृषि सिर्फ छक्का, मोबाइल घर छक्का, और कुरकुरे जो है माता मक्खन एंटरप्राइजेस के तरफ से, उनके तरफ से भी शानदार उपहार है, माधव मोबाइल के तरफ से भी शानदार उपहार है, फिर से ये गेम अच्छी गेंदबाजी, इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, दो ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 22 रन, एक विकेट के नुकसान पे स्टाइल और मुजफ्फरपुर का स्कोर है 22 रन। अब पावर प्ले का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए कैप्टन किन्हें आमंत्रित करते हैं, थोड़े महंगे साबित जरूर हो रहे हैं छोटू, लेकिन फिर से छोटू ही आए हैं गेंदबाजी करने, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे स्वभाव के भी है छोटू, और खासकर मैं बता दूं कि छोटू
जब भी ग्राउंड में रहते हैं तो थोड़ा सा उत्साह उनके शरीर में, एक समय जब हम लोग खासकर बहुत छोटे थे तो ऑस्ट्रेलियन टीम के तमाम खिलाड़ी करते थे हमारे इंडियन टीम के प्लेयर के साथ, आज भी छोटू का वही जलवा चलता हुआ। फिर से छोटू अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद अच्छी गेंदबाजी मानना चाह रहा था लेकिन गेंद थोड़े बल्ले पे लेट से आई, कोई डर नहीं ले पाई, बैट पे बॉल जाके फेंक गई। आज अंपायर का नजारा पेश करते हुए दोनों अंपायर रंजीत यादव और विक्रम जी का अभिनंदन है। फिर से छोटू अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद फिर से उसको खेल दिया, उसके पीछे कोई खिलाड़ी का मौका नहीं दिख रहा है और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। और इस चौके पर शानदार उपहार भी आता है, माधव मोबाइल चौका, अरुण जी चौका, मां कामाख्या इंटरप्राइजेस चौका। वाह, और इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ इसको 26 रन, तीसरा ओवर पर गति पे है। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज खुद अपने ही बॉलर थ्रू में गेंद को गैदर किया, अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। 260 के जवाब में 26 रन बना ली है, बाइक ही नाम है भाई, फर्स्ट प्राइज बाइक है दिया है। फिर से छठी हमसे दूर जाते हुए फिर से उसको संदीप ने उठा दिया है, उसके ये तो निकाल चल बाइक देख सकते हैं आप लोग, जो सामने बाइक दिख रही है बाइक है, मैन ऑफ द फाइनल मैच के विजेता टीम को 30 रन प्रत्येक चौके पे हेड फोन राकेश मसाला कुरकुरे दिया जा रहा है, तमाम दुकानदारों का अभिनंदन है। फिर से ये गेंद और संदीप के बल्ले से निकलता हुआ छक्का, अरे छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। पावर प्ले का तीसरा ओवर चलता हुआ, एक खिलाड़ी पवेलियन जरूर वापस चले गए हैं लेकिन ताबर तो शुरुआत कर दिया था सौरव ने, दो गेंदों पे दो छक्का लगा के आंखों के पवेलियन जरूर गए हैं लेकिन 36 रन बना ली है टीम स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम। आज क्या जलवा है, यह बाइक किसके भाग्य में थी वो तो समय ही बताएगा। होंडा एसपी 125 गाड़ी है, टॉप मॉडल गाड़ी है होंडा की, एसपी 125 सीसी की गाड़ी है और ये विजेता टीम दिया जाएगा रोनी यादव जी के तरफ से। उसको डीले बल्ले से खेला है और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, पावर प्ले का ओवर, तीन ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। अब चलते हैं आगे का खेल का विवरण, हम अपने साथी कमेंटेटर बहुत सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत कहाँ है मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। आज तीन ओवर के समाप्त स्वर्गीय शिव राय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा है। इस समय वर्तमान स्थिति है कि जब 247 रनों का पीछा कर रही है यहां पर स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम, अभी फिलहाल तीन ओवर के बाद कुल स्कोर बने हैं 36 रन, जबकि एक बल्लेबाज आउट होकर वापस चले गए हैं। भाई जफर रंजट को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देखो तो सब्सक्राइब कर लेना, जफर रंजट को फॉलो भी कर लेना। सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए और इस समय सामना कर रहे हैं, वही गेंदबाजी ऊपर है, दीपू फील्ड की सजावट हो रही है, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है जहां पे रवि मौजूद है, गली में छोटू, पॉइंट पे रोहित शर्मा। इस बार एक अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, उसे ड्राइव किया बिना किसी रन के, तो मैं फील्ड संरचना बता रहा था, पॉइंट पे खड़े हैं रोहित शर्मा, वही कवर्स के दिशा में अभिषेक आनंद। भाई आप लोग जफर इंजेट को भी फॉलो कर ले, जफर इंजेट लाइव दिखा रहा है, जफर इंजेट चैनल पे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना भाई। मौजूद है कप्तान सुप्रीम, मिड विकेट जफर इंजेट को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना भाई, जफर इंजेट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। दीपू चले, इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधी रही और चली गई विकेट कीपर सुधांशु के हाथों में और डॉट बॉल, तो नई बॉल का पूरा इस्तेमाल करना जानते हैं यहाँ पर गेंदबाज दीपू। इस बार पटकू ही बॉल,
क्रॉस बैक पर पुल करने का प्रयास कामयाब नहीं हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर सुधांशु के हाथों में। जी हां, जो गेंदबाजी कर रहे हैं दीपू, बहुत ही ऊंचे लेवल के गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाज है और शानदार गेंदबाज है। इस बार एक और स्लोअर, जी हां, बाला के बल्ले को पकड़ लिया है, उनकी लेंथ को पकड़ लिया है। जानते हैं कि बाला विध्वंसक बल्लेबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, तो उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते और इस समय जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है दीपू के द्वारा। इस बार एक और अच्छी गेंद ड्राइव किया, जब तक अभिषेक खन बॉल को फील्ड करते कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के पास। तो लगातार पांच डॉट गेंदे, ये काबिलियत होती है बड़े गेंदबाज की, आप एक ओवर रन भी खाते हैं उसके बाद रिकवरी करा कर देते हैं अपनी टीम को, ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। इस बार हवा में सुप्रीम उसके नीचे, देखना सिर्फ क्या होता है और वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज बाला को यहां पर, बड़ा झटका लगता हुआ और विकेट पर अभी तक 1500 रुपए जीत चुके हैं गेंदबाज दीपू, हर विकेट पर 1000 रुपए रोहित मिश्रा के तरफ से है, वही 500 रुपए का इनाम लल्ला के तरफ से है, तो 1500 रुपए का इनाम इस गेंद पर जीत लिया है दीपू ने और बाला को वापस भेज दिया पवेलियन। सुशान जी, मैं आपको बता दूं कि यही इस तरह से यदि बैटिंग होती रहेगी तो जाने परिणाम क्या होगा, लेकिन आप लोग को मैं एक जानकारी दे दूं, अभी तक पहला मैच ऐसा है जो छोड़ कर जो मैच जो अभी तक जो हुआ है वो सारे मैच में पहले जो बैटिंग किए हैं वही टीम जीती है। यदि पहला मैच छोड़ दे तो सारे मैच जो टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी किया है वही टीम अभी तक मैच जीता है, और आज का फाइनल क्या वही दोहराती है या क्या परिणाम रहता है वो देखने को बाकी है। तो आज कैसा रहेगा सुशांत जी, दोनों टीमें काफी अच्छी टीम है, मजबूत टीमें हैं। मैं बता दूं कि जो स्टार इलेवन मुजफ्फरपुर टीम है उनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, डेंजर राजा नजारे जैसे बल्लेबाज का आना शेष है, विपिन यादव जैसे बल्लेबाज का आना शेष है, अभी तक पूरे टूर्नामेंट में विपिन यादव के बल्ले से ज्यादा जफर है नहीं तो फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देखे तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। प्लेयर है जब वो आएंगे विकेट पर तो आज मुझे लगता है कि उनके बल्ले से रन निकलेगी और मैच काफी रोमांचक होगा। वर्तमान स्थिति ये है कि ये ओवर मेडन गया था दीपू के द्वारा, तीन ओवर चार ओवर के बाद कुल स्कोर बने हैं 36 रन, जबकि दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुके हैं जी। तो अभी लाइव आया हूँ, बता दूं भाई आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे कितना रन है, मैं बताता हूँ एक सेकंड। इस बार एक अच्छी गेंद हैप्पी यादव के द्वारा, हैप्पी बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, लंबे कट के चार ओवर एक ये 46 रन दो विकेट 36 रन दो विकेट के नुकसान पे मुजफ्फरपुर का, 95 गेंद पे 212 रन चाहिए। जफर एंजल को फॉलो भी कर ले, यूट्यूब पे देखे तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। किसी भी समय गेंदबाजी कर लेते हैं, किसी भी समय बल्लेबाजी कर लेते हैं और वही काम कर रहे हैं हैप्पी यादव। जी हाँ, आपने सही कहा, फाइनल इस बार हवा में चमक सुप्रीम उसके नीचे और कैच, एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर संदीप के रूप में और ये लगने वाला तीसरा झटका होगी 11 मुजफ्फरपुर काफी मुश्किल में आ चुका है। तीन विकेट और एक बार फिर से 1500 रुपए का इनाम जीत लिया है यहाँ पर गेंदबाज हैप्पी यादव ने। रोहित मिश्रा के तरफ से 1000 रुपए और वही 500 रुपए लल्ला के तरफ से दिया जा रहा है इस खिलाड़ी का। क्या जबरदस्त फील्डिंग हुआ था, पॉइंट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खड़े थे छत्रक्षक कप्तान। और जो लोग देखे जफर इंजेट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना जफर इंजेट को, लाइव दिखा रहा है जफर इंजेट और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर ले। और दोनों का दो कैच उनके ही हाथों में अभी गया है जो एक ही जगह फाइन लेग पे खड़े हैं और उन्होंने पिछला विकेट का भी पवेलियन वापस कर दिया, उन्हीं के हाथ पे कैच लिया गया था। और ये क्या कैच था, कितना बढ़िया कैच था जो उन्होंने ड्राइव लगाते हुए ये कैच को पकड़ा और प्लेयर अपने पवेलियन वापस चले गए हैं। देखने हैं नए बैट्समैन कौन आते हैं। जी हाँ, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छे अच्छे रक्षण आए हैं, बहुत अच्छा कैचेज भी हुआ है, इससे मुझे लगता है जहां तक मैंने पूरा मैच देखा है पूरे टूर्नामेंट का सबसे अच्छा कैच बाबा ने लिया था जब वहां पे मिड विकेट दिशा में डाइव लगाते हुए हवा में तैरते हुए गेंद को पकड़ा था। लेकिन आज इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन कैच और सबसे बड़ा कैच हम कहेंगे हमारे हिसाब से तो अभी संदीप को भेज दिया है सुप्रीम ने। अब ये
हाँ लाइव है। जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो बल्लेबाजी करने वाली टीम वहाँ पे डगआउट में बैठी हुई है वहाँ पर जाए, एक कंप्लेंट की है। चंदन सर से रिक्वेस्ट है कि हमसे आके मिले और गेम को प्रारंभ करे। चंदन जी एक मैसेज है, आप डगआउट में जाए गोविंदा के डगआउट में। जो भी दर्शक ऐसे हैं जो गलत इशारे या कमेंट प्लेयर के सामने, अभी आए बल्लेबाज, बता दूं आप लोग को फिलहाल बहुत बड़ा विकेट निकाल करके दिया है हैप्पी यादव ने अपने पहले ही ओवर में। मलिंगा जगह पर अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मलिंगा, मलिंगा को प्रमोट किया गया है ऊपर की तरफ बल्लेबाजी करने के लिए। और इस समय हैप्पी यादव एक विकेट का स्वाद लेने के बाद अब फिर से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भाई आप लोग जो देख रहे हैं जफर जी को फॉलो भी कर ले, यूट्यूब पे देखे तो सब्सक्राइब कर ले। परीक्षा लेते हुए बल्लेबाज की गेंद उनके दस्ताने से टकराई और गेंद वहीं पर उड़क कर रह गई बिना किसी रन के। तो अब मानो दबाव बना दिया है, शुरुआती ओवर में जरूर रन आ रहे थे लेकिन जो मोमेंटम शिफ्ट करना चाहिए था वो कर नहीं पाए और रन के बाद में विकेट निकलते चला गया। यहाँ पे एक जरूरत थी बड़े पार्टनरशिप। स्कोर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे, तो फिर से मोमेंटम बनता गेम में लेकिन बड़े बड़े बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुके हैं। हमारा खेल उसके पीछे खिलाड़ी लेकिन काफी पीछे रह गई। जी हाँ, तो आज हमारे बीच बैठे हैं बनारस से आए हुए बड़े भाई, उन्होंने पूरे मुकाबले को पूरे टूर्नामेंट को कमेंट्री के माध्यम से दर्शकों को लुभाया है। तो हम उनको माइक देना चाहेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो मुकाबला हो रहा है, जो बुगी लेवल की टीम है वो जो दबाव बना रही है, बाल बाल बच्चे भाई, जिस तरीके से सलामी बल्लेबाज की जोड़ी आई है इस मुकाबले में फाइनल मैच है वो समझ से बड़े हैं। गोविंदा जानते हैं कि बहुत बड़े ये कैप्टन है और बल्लेबाज भी है लेकिन आम तौर पर इस टीम के लिए एक लेफ्टी और एक राइटी बल्लेबाज का आगमन हुआ करता था जब वो सलामी बल्लेबाज के लिए आते थे लेकिन आज दोनों राइट हैंडर बल्लेबाज को भेजा, ये समझ से ऊपर का चीज है। इस बार एक और अच्छी गेंद हैप्पी यादव के द्वारा पटकी हुई गेंद ड्राइव किया और एक और शानदार ओवर। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर किया जा रहा है बोगी लेवल वैशाली के गेंदबाजों के द्वारा, एक दबाव ला दिया है। तीन बड़े विकेट को 5 और 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक पानी ना जेब में रखिएगा, किसी को दीजिएगा, ऊर्जा भर गई होगी सभी खिलाड़ियों पर और एक शानदार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सुशांत, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश से चलकर हमारे धर्मेंद्र जी जो हमारे बिहार के धरती पे कमेंट्री करने के लिए आए हैं, क्या इन्होंने क्या खूब कमेंट्री का नजारा दिया है। और वहीं हमारा एक मनीष भाई जो दोनों आदमी इस पूरी टूर्नामेंट को काफी हद तक एकदम 100% कहे तो सफल बनाने का काम किया है अपने नजारे। अभी तो नहीं आउट हुए, अभी आना उनको बचा है। जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते हैं, जफर इज्जत को फॉलो भी कर ले। लगता है कि अपना घर वापस चले जाएंगे आज मेहमान के रूप में। आलोक ने 64 रन की पारी खेली सुप्रीम टीम की ओर से। आप धर्मेंद्र जी से तो इस समय चंदन जी अपने पूरे टीम के साथ वॉलंटियर के साथ इस समय जा रहे हैं बाउंड्री के साइड से पूरे भ्रमण कर रहे हैं और दर्शकों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि टूर्नामेंट इतना खूबसूरत हो रहा है तो इस खूबसूरती को और बढ़ाया जाए, आने वाले समय में और बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। वेलकम जयसवाल भाई, पहली गेंद टॉस काफी ज्यादा वाइड चली गई पॉइंट के बाहर, अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। जी हाँ, ओवर फुल टॉस बॉल थी, पॉइंट की दिशा में धकेला उसे, एक रन नजारे भी का इशारा है और फ्री हिट समाप्त मिलेगा इस गेम पर। एक खराब गेंद दीपू के द्वारा लगातार दो ओवर मेडन के बाद एक फ्री हिट लेकिन इस समय फिर से आ गया स्ट्राइक पर बल्लेबाज मलिंगा। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर डॉट बॉल, शायद वाइड का मांग कर रहे हैं बल्लेबाज, रिव्यू ने भी लिया है वहां पर। जी हाँ, गेंद गिरने के बाद थोड़ी बाहर निकल रही थी, आउटस्विंग डिलीवरी थी और गोविंदा ने कॉल किया वाइड का। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत, आज
अब ये अंतिम लम्हा का मैच चलता हुआ फिर से हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे गार्जियन सभापति बहुआ नवीन चंद्र भारती जी का आगमन हुआ है, पार्षद रमेश सिंह जी का भी आगमन हुआ है। मैं सभी अतिथियों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए धर्मेंद्र भैया, अंतिम लम्हों में अब यह मैच है, अब आपकी अल्फाज से कुछ ओवर फिर हम तमाम बारी बारी से आपके बीच आंखों देखा हाल सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। और इतने हमारे मंच पे कम से कम अतिथिगण बैठे हुए हैं और तमाम हमारे बीच में दर्शकगण बैठे हुए हैं। मैं एक बार अंतिम लम्हों में गुजारिश करूंगा तमाम दर्शकगण भी यहाँ पे जरूर दिख रहे हैं। अगर ये मैच थोड़ा सा भी दोस्त अगर अच्छा लग रहा होगा एक बार हल्ला करके अगर ताली बजा दो यार, अगर यही अगर छक्का चौके लगेंगे तो खूब हल्ला करिएगा। चलो आने दो छक्का चौके फिर से देखो हमसे दूर जाते हुए तालिका के लिए अंपायर रंजीत का इशारा आता हुआ वाइट और इस अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर ज्यादा ऊंचा। थैंक यू सो मच भाई टोनी जायसवाल भाई, थैंक यू सो मच भाई। अब तो मैं कह सकता हूँ दोस्त कि जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ से करना होगा बहुत कुछ बिंदा राजा और नजारे के है। अगर वो दोनों बल्लेबाज अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तभी उनकी टीम ये फाइनल को जीत पाएगी। तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। आज अभी से जो इनामों की दौड़ में नंबर बता दूं नजारे आउट नहीं हुए भाई अभी। कंप्यूटर अकादमी फिर से इस गेंद के बाद खेली और मलिंगा के बल्ले से निकलता हुआ क्या होगा क्या होगा और ये छक्का और छक्के के साथ टीम का चार पहुंचा स्कोर 45 रन। बिजार टेक कंप्यूटर अकेडमी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन बाय आईओएसएस सर्टिफिकेट कंपनी फिर से यही फिर से उसका मालिक निकाले धीरे बल्ले से खेला उसके पीछे खिलाड़ी लेकिन निराश जरूर दिख रहे हैं और इसके साथ सूरज कुमार पालसरकर में आप रहिएगा कोशिश करेंगे भाई। इनके तरफ से बिजार टेक पे जो इनाम आया है शतक लगाने वाले प्लेयर को 2500 थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच जीतिक भाई चौके पे 500 हैप्पी विकेट पे 2500 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी को आएंगे कोशिश करेंगे भाई। चंदन सर के तरफ से कितना नंबर पे आएगा अभी कोई कंफर्म नहीं है कितने नंबर पे आएगा वो बिजार टेक कंप्यूटर जिनके डायरेक्टर है चंदन सर का भी अभिनंदन है स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। फिर से दीपा देखो अच्छी गेंदबाजी जाने भर दिया विकेट के पार के दस्तानों में ओवर की भी समाप्ति। आइए अब चलते हैं हम अपने भाई धर्मेंद्र सिंह जी के पास। छह ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर आप लोग को बता दूं। धन्यवाद मनीष और 46 रन 3 विकेट के नुकसान पे दिया जाएगा। जो गेंद पहले शुरुआती 6 ओवरों में सॉफ्ट सरफेस के साथ खेली जा रही थी अब उस गेंद को बदल दिया गया है। अब गेंद को जो उसका सॉफ्ट सरफेस होता है उसे चला दिया जाता है उसके बाद गेंद दी जाती है ताकि रन तेजी से बनाए। पावर प्ले में यहाँ पूरे तरीके से दबाव में दिखाई दी टीम और पावर प्ले में 2 ओवर मेडन निकाल करके हैप्पी ने और दीपू ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है दबाव यहाँ आनंद सिंह चौहान थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच 248 सेट किया है वो अब नाकाफी साबित नहीं होगा। वो भरपूर यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हुए एक क्रिकेट ओवर चौहान भाई बता दे रहा हूँ लगातार 6 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी की है एकमात्र बादशाह किंग भाई थैंक यू सो मच भाई थैंक यू। वो टीम रही थी टिंकू 11 बक्सामा की जिन्होंने 6 विकेट से जीत दर्ज किया था पहले मुकाबले में तो उस मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो सारी टीमें पहले बल्लेबाजी करने के बाद इस मुकाबले को जीती हैं और आज भी यहां पर बड़ा टारगेट सेट किया है 247 रन बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम 84 गेंद पे चाहिए 202 रन और वो दबाव तब और ज्यादा
जफर एंजेट को भी आप लोग फॉलो कर लेने पेज, जफर एंजेट यूट्यूब चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो इस मुकाबले में 14.43 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाना होगा बाकी के बचे हुए 14 ओवरों में। हालांकि अभी बल्लेबाजी शेष है, अभी डेंजर राजा डगआउट में बैठे हुए हैं, बिपिन डगआउट में बैठे हुए हैं, अभी बल्लेबाजी कुंदन मलिंगा कर रहे हैं, बाबा डगआउट में बैठे हुए हैं, अभी कप्तान खुद माने चाहे गेंद पर गोविंदा के रूप में मौजूद है। तो यहाँ से वापसी क्या कर पाएगी टीम, और अब परिवर्तन यहाँ पर गेंदबाजी में एक बार फिर से हैप्पी का ओवर लेकर के आए हैं। थैंक यू बादशाह भाई, थैंक यू सो मच। जो पहला ओवर डाला था वो बहुत ही किफायती रहा, बिपिन भाई है, यू कह लीजिए कि वो ओवर बहुत ही शानदार, विकेट तो निकाला ही था, मैडन ओवर यहाँ पर किया था, परेशान करने वाला वो ओवर। और दूसरे ओवर की शुरुआत यहाँ पर हैप्पी बल्लेबाज कुंदन के लिए बैट टू द बॉलर खेलने का प्रयास, हालांकि पूरे तरीके से मिडिल ऑफ द बैट हुई नहीं, गेंद एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से जब तक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में पहुंचती कोई खिलाड़ी उठाता वहां से क्षेत्ररक्षण करता बल्लेबाजों के पास मौका रन बनाने का। आज इस प्रतियोगिता का फाइनल खेला जा रहा है जो कि स्वर्गीय शिव राय जी की स्मृति में प्रतियोगिता टेनिस बॉल के लिए आयोजित है, आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता इस मैदान पर, और उस आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अब से बस कुछ ही देर में यहां समाप्त हो जाएगा। पहली इनिंग खत्म हो गई है, दूसरे इनिंग का सातवां ओवर फेंका जा रहा है, 3 विकेटों का नुकसान हो चुका है प्रतियोगिता का समापन करने के लिए। जैसी कि मुझे जानकारी है हाजीपुर तक आ चुके हैं पशुपति पारस जी जो कि भारतीय भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। गेंद को बैट पर पंच करते हुए यहाँ पर गोविंदा, गेंद जब तक पहुंचती खिलाड़ी छोटू के पास लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एकदम डीप बाउंड्री पर वो क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं, जो फील्ड सजाया गया है उसमें दिखाई दे रहा है बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज कुंदन मलिंगा के लिए विवेक दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर लेग पर, मिड विकेट पर सुप्रीमो दिखाई दे रहे हैं, छोटू दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर हैप्पी गेंद करने के लिए तैयार कुंदन मलिंगा के लिए। गेंद को खेलने का प्रयास बल्ले के अंदरूनी किनारे को लेकर के, विकेट कीपर सुधांशु के पास पहुंचते हुए, विकेट कीपर के रूप में सुधांशु दिखाई दे रहे हैं, आलोक दिखाई दे रहे हैं पहली स्लिप की एरिया में, 6/3 गेंद 48/3 विकेट के नुकसान पे, दीपू जो कि कवर पर दिखाई दे रहे हैं, रोहित शर्मा दिखाई दे रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर, ये क्षेत्र अच्छा है यहाँ पर हैप्पी अच्छी गोल। मुजफ्फरपुर स्टार 11 वो निश्चित रूप से अब उनके लिए मुश्किल हालात करते चले जाएंगे, मनोबल गिरता चला जाएगा, हैप्पी के खाते में एक और विकेट दर्ज होता हुआ, ये विकेट है हैप्पी के खाते में दर्ज होता हुआ, टीम के लिए एक सफलता मिलती हुई, लेकिन हैप्पी के बैंक खाते में कुछ रुपए क्रेडिट होते हुए यहाँ पर 1000 रुपए करने के लिए नजारे अभी नहीं आए, और 500 रुपए रोहित ऋषभ लल्ला की तरफ से, चार विकेट गिर चुका है भाई, चार विकेट, लेकिन ये रुपए अभी थोड़ी देर बाद जब मुकाबला समाप्त होगा तो उनके खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। मैदान पर मुकाबला नजारे अभी आउट नहीं हुए भाई, तो मैदान अभी पर मुकाबला रुपयों के लिए भी चल रहा है, पहले मुकाबले में हर छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार रखा था रोहित शर्मा ने, और वो पुरस्कार यहाँ आकर के उन्होंने जमा भी कर दिया है रवि शर्मा ने, हमारे आयोजन माफ कीजिए रोहित मिश्रा ने, वो आकर के पुरस्कार की 500 रुपयों की जो धनराशि हर छक्के के लिए थी, 23 छक्के पहली इनिंग में लगाए गए थे, वो पैसे जमा करा दिए हैं चंदन जी के पास, चंदन जी जो कि अपनी पूरी टीम के साथ क्या शानदार प्रतियोगिता, पहला वर्ष इस प्रतियोगिता वर्ष लाइव के माध्यम से जो दर्शक देख रहे होंगे मुकाबले को, जो भारी भीड़ इस मैदान पर महुआ में गांधी स्पोर्ट्स क्रिकेट मैदान पर, ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ दर्शकों का, यदि हमारा ये जो बॉक्स का हिस्सा है ये न होता तो यहाँ भी तमाम दर्शक होते, दर्शकों को असुविधा हो रही है, उसके लिए हम अपने आयोजन समिति की तरफ से आपसे क्षमा याचना भी करेंगे, अगले वर्ष जब ये प्रतियोगिता हो तो आपको इस तरीके की कोई असुविधा न हो उसका प्रयास करेंगे। हैप्पी जो पिछली गेंद पर विकेट अर्जित कर चुके हैं, अब उनका सामना बिपिन के साथ, तेज कदमों के साथ शुरुआत यहाँ पर बिपिन के लिए, ढीले हाथों से खेला स्क्वायर लेग अंपायर रंजीत के बगल में, जब तक गेंद यात्रा करती तब तक यहाँ पर रन बनता हुआ 48 रनों का योग 49 रनों का योग हो चुका है, सातवां ओवर चल रहा है और
चार विकेटों का नुकसान हुआ है, चार विकेटों के नुकसान पर गोविंदा और विपिन है जीतने के लिए स्ट्राइक पे गोविंदा नॉन स्ट्राइक पे विपिन लगभग 15 रन 14.93 रन प्रति ओवर के हिसाब से मुकाबले को जीतने के लिए बनाना है। कल का वो सेमीफाइनल मुकाबला मुझे याद आ रहा है जब 17-18 रन प्रति ओवर की जरूरत थी तो मैं तुंजे और तुषार की क्या शानदार बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिली थी। इसी बीच गोविंदा ने गेंद को खेला, गेंद पहुंची थी ट्रबल करते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, पहले प्रयास में गेंद को छत्रछंड किया गया था गोलू के द्वारा और वापस की गई थी विकेट कीपर के पास। हालांकि तेज रनिंग बिटवीन द विकेट विपिन और गोविंदा के बीच में यहां पर चलती हुई ओवर की समाप्ति के बाद और इस मैदान के अलावा एक मैदान पर और मुकाबला चल रहा है। इस मैदान के अलावा एक मुकाबला और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए चल रहा है। अंडर 19 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 108 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई बनाई है। और क्या इस वर्ष वो भारतीय टीम जो कि पिछले अपने कप्तानों की बदौलत फाइनल नहीं जीत पाई थी, हालांकि लगातार ये चौथा पांचवा मौका है जब भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में अंडर 19 में पहुंची है 108 रन 24 ओवर 3 गेंदों के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अच्छी गेंद यहां पर इस मैदान पर वापस आते हुए गोलू को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और शामना और का गोविंदा के साथ मैदान पर वापसी यहां पर चलती हुई 247 के जवाब में 50 रनों के योग पर 4 विकेट खो करके संघर्ष कर रही है। यहां पर मुश्किल हालत में दिखाई दे रही है टीम गोविंदा टीम के कप्तान है, क्या वो यहां वापसी करा पाएंगे। लगातार अच्छी गेंद है, गोलू की तारीफ करनी होगी। अंतिम एकादश में आज गोलू और आलोक को शामिल किया गया है और पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबले में अनस शेख और अंकित को शामिल किया गया था। अनस शेख और अंकित ने तो अपना काम कर दिया था, यहां गोलू अपना काम पूरा करते हुए फाइनल मुकाबले में अच्छी गेंद सफल करते हुए आगे की तरफ आए थे। पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद तो खेलना चाहते थे, हालांकि वो उनका फैसला सही था क्योंकि पॉइंट जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है दीपू के रूप में मौजूद है। 30 गज सीमा रेखा के ऊपर कवर पॉइंट पर सुप्रीम दिखाई दे रहा है, उसके पीछे डी बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। उसके पीछे यदि गेंद निकली होती तो चौके के लिए निकल गई होती। एक बार फिर गोलू की गेंद कट करने का प्रयास, लेकिन अतिरिक्त गेंद यहां पर होती हुई। तेज गति के साथ गेंदबाजी जरूर, लेकिन नियंत्रण खोते हुए। पिछली गेंद पर शानदार नियंत्रण रहा था, लेकिन क्या यहां पर गोविंदा के ऊपर दबाव दिखाई दे रहा है। दर्शक पूरे तरीके से शांत दिखाई दे रहे हैं, दर्शकों के ऊपर दबाव है, उन्हें पता है कि इस मुकाबले में वैशाली की बोगी 11 ने जो स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया है, जिस तरीके से यहां पर गोविंदा की टीम बल्लेबाजी कर रही है वो मुश्किल हालात में है। यहां से वो पार पाने वाले होंगे नहीं, कुछ जम करके बल्लेबाजी करनी होगी। 9 स्ट्राइक पर बड़े बल्लेबाज विपिन मौजूद है, गोविंदा टीम के खुद कप्तान है। गेंद तो खेल दिया, उस क्षेत्र में खिलाड़ी विवेक मौजूद, लेकिन दर्शक बने रहेंगे। गेंद को उठा करके फेंकने के काम के अलावा उनके पास कोई काम बचेगा नहीं। सुप्रीम जो मौजूद थे कवर के क्षेत्र पर, उनके और विवेक के बीच में जो लंबा गैप था उस गेंद को तलाश किया, यहां पर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। क्या शानदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। अभिषेक 7 और 4 गेंद 55 रन 4 विकेट के नुकसान पे एक बार फिर से गेंद को कट किया है। हालांकि इस बार विवेक की तरफ गेंद पहुंचते हुए कवर डीप बाउंड्री पर क्षेत्ररक्षण और बल्लेबाजी के पास मौका। ये एक एक रन जो बन रहा है ये कुछ काम करने वाला नहीं है। यहाँ से बाउंड्री की जरूरत है, चौके छक्के निकालने होंगे इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान। पहले शुरुआती मुकाबलों को यदि छोड़ दिया जाए, शुरुआत तेज रन बनाने का काम किया था वैशाली की बोगी 11 ने। पहले जब वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रही थी तो 174 रन उन्होंने बनाए थे, उसके बाद से किसी टीम ने उस स्कोर के नीचे का स्कोर बनाया नहीं। सभी टीमों ने उसके बाद 200 प्लस का स्कोर बनाया है और आज फाइनल मुकाबले में बोगी 11 वैशाली की टीम वर्सेस मुजफ्फरपुर स्टार 11, दोनों की टीम मुकाबला चलता हुआ, दोनों के बीच मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीचों बीच। हालांकि अभी तक पूरे तरीके से मनोवैज्ञानिक 857 रन 4 विकेट के नुकसान पे 72 गेंद पे चाहिए 191 रन पर पूरे तरीके से पार पाती हुई टीम दिखाई दे रही है। 12 ओवर में चाहिए 191 रन भाई, और 8 ओवरों के खेल के बाद स्कोर बोर्ड पर मात्र 57 रन दर्ज है। यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए अल्ताफ राजा भाई थैंक यू सो मच भाई, 15.9 वैशाली जीत जाएगी। ओके भाई रन बनाना होगा और लगातार
कोटे का ओवर एक बार फिर से हैप्पी के ऊपर ही कप्तान सुप्रीम ने भरोसा जताया है। सामना बिपिन के साथ ऑन साइड पर खेलने के लिए पूरे तरीके से स्टांस उनका दिखाई दे रहा है और ऑन साइड की मैंने चर्चा की थी, जैसे ही गेंद उनके स्लॉट में आई पार्किंग लॉट की तरफ गेंद जाते हुए छक्के के लिए थोड़ा सा रास्ता अख्तियार करते हुए बैटमैन स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से, हालांकि स्क्वायर लेग पर खड़े थे कप्तान सुप्रीम, लेकिन उन्हें छकाती हुई उन्हें सिर्फ हाई हलो करती हुई सीमा रेखा के अभी नजारे बैटिंग करने नहीं आए भाई। अभी अभी आयोजन समिति के साथ जुड़ते हुए पूर्व प्रमुख जतेंद्र राय जी, आयोजन समिति आपका धन्यवाद अदा करती है कि आप सारे लोग इतना समय इस प्रतियोगिता को दे रहे हैं और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो चंदन जी को जाता है कि उन्होंने अपना समय इन सारे लोगों के साथ कितना बिताया है जो इस प्रतियोगिता को सराहना मिल रही है। हैप्पी की गेंद यहाँ पर शॉर्ट पिच लेंथ पर गेंदबाजी स्लोवर की थी, पिछली गेंद को जो यार्कर लंग करने का प्रयास किया था वो पूरे तरीके से यार्क हुई नहीं, उसको फुल टॉस पर लेकर के सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया था और अब यहाँ पर जो गेंद शॉर्ट पिच यहाँ स्लोवर करने का प्रयास और स्लोवर डिलीवरी ये आज का हथियार हो चुका है। ओवर में जरूर एकांत मौके ऐसे आते हैं जब गेंदबाज इस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास उसमें कामयाब होते हुए जब तक छोटू के पास गेंद पहुंचती लॉन्ग ऑन सीमा रेखा, हां भाई बोलो क्या बोल रहे भाई, वापस करते तब तक रन बनाने का मौका, हालांकि हैप्पी के पास जब गेंद आई थी पहले प्रयास में गेंद कलेक्ट हुई नहीं थी, लेकिन सुधांशु ऐसे किसी मौके को जाने नहीं देना चाहते तो दौड़ करके उस क्षेत्र में पहुंचे, वहां रन बनाने का कोई मौका नहीं। विपिन ने इच्छा जरूर जताई थी लेकिन जब उन्होंने देखा कि गेंद झपट्टा मार रहा है सुधांशु तो वापस अपने आप को कर लिया। गोविंदा इस स्ट्राइक पर सामना होगा हैप्पी के साथ, ओवर में पहली 64 का योग पाली के इस नौवें ओवर में और एक और अच्छी गेंद यहां पर गोविंदा को परेशान करती हुई, मुकाबला यहां दोनों टीमों के बीच, हालांकि अभी तक मुकाबले को यदि आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक क्रिकेट विश्लेषक के नाते मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि 60% से ज्यादा गेंद को खेला है, मैं क्रिकेट एरिया पर क्या कोई खिलाड़ी मौजूद और जब तक वो खिलाड़ी गेंद को क्षेत्र चर करे दोनों बल्लेबाजों के पास अपने अपने छोर परिवर्तित करने का मौका, मुझसे यदि क्रिकेट विश्लेषक होने के नाते ये पूछा जाए कि आप कहां इस मुकाबले को देख पा रहे हैं तो मैं इस मुकाबले में 60% अंक दूंगा होगी 11 वैशाली की टीम को और 40% क्योंकि उनके विकेट गिर चुके हैं और दबाव उनके ऊपर है, बाद में जो टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है उसके ऊपर 200 से ज्यादा का स्कोर यदि हो तो वही दबाव हो जाता है, यहां तो 249 रनों का स्कोर है। हैप्पी एक बार फिर बल्लेबाज टिपिंग के लिए गेंद को ऊंचा खेला, अंपायर कई सारा आता हुआ यहाँ पर विक्रम का की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया है विपिन ने, मौका बनाया इस ओवर में रन खर्च किया हैप्पी ने, ओवर की समाप्ति और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 71 रन और अब 9 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 71 रन। आपको देखा हाल सुनाने के लिए साथी कमेंटेटर मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का अपने बड़े भाई का भी, आज के जो हमारी अतिथि कुछ ही क्षण में बस वो क्षण की घड़ी है मेरे दोस्त, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी का आगमन होगा, मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों का अभिनंदन है स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट के, नवीन चंद्र भारती जी का भी अभिनंदन है, रोमी यादव जो उप सभापति है उनका भी अभिनंदन है, सत्येंद्र राय जी जो पूर्व उप प्रमुख है महुआ मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, विश्वनाथ राय विकल्पी जी जो पूर्व जिला परिषद CPI नेता है मैं उनका भी स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में अभिनंदन करता हूँ। सुप्रीम सुप्रीम का जो अपने टीम के कैप्टन है भारी छक्के के साथ टीम का अच्छा पहुंचा स्कोर, टीम का अच्छा पहुंचा स्कोर फिर से सुप्रीम गोविंद के लिए भाई 77 रन हो चुका भाई, 4 विकेट के नुकसान पे। मैंने बहुत सारा इनका मैच देखा है खासकर जब तक ये विकेट पे है
और डगआउट में भी बैठे हुए हैं डेंजर राजा नजारे, उनसे काफी उम्मीद होगा। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, चार खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं, तो अभी संघर्ष तो जरूर कर रही है टीम, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। क्या अंतिम लम्हा में कई बल्लेबाजी करके दिया एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बल्लेबाज जो पहले सीजन में अपना नाम रोशन करके गया है इस गांधी मैदान से, वह है मृत्युंजय। सुपरी अंपायर को क्रॉस किया, तिरासी रन। होता है 83 रन जा पहुंचा स्कोर। हैट्रिक छक्के पे है कैप्टन गोबेन, आज इनामों की बरसात है। विजार्ड टेक कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से भी शानदार 1100 का नगद इनाम। ये गेंद और इसको खेल दिया, लेकिन उसके पीछे कोई खिलाड़ी का मौका नहीं। चार रनों के लिए हरी चौके के साथ टीम का जा पहुंचा इसको 87 रन। 10वां ओवर प्रगति भी है और मंच पर उपस्थित है सरफराज एजाज जी जो आरजेडी नेता है, राष्ट्रीय जनता दल भोला सिंह जी वो भी आरजेडी नेता है, बिमलेश जी वो भी आरजेडी नेता है, अजीत उर्फ अन्नू जी पार्षद है महुआ, रमेश सिंह जी पार्षद है महुआ, वसीम आलम जी पार्षद है महुआ, रंजन कुमार पार्षद है नगर परिषद महुआ, सभी लोगों का अभिनंदन है। अमरजीत जी जो पार्षद प्रतिनिधि है नगर परिषद महुआ, कामिल राजा जी जो है पार्षद प्रतिनिधि महुआ, किशन जी जो कृषि फील्ड के डायरेक्टर है, उनका सभी लोगों का अभिनंदन है। प्रसस को डीले बनने से खड़ा है काफी तेज रहे फैसले का इंतजार करूंगा, क्योंकि जब तक उनका सिग्नल नहीं मिलेगा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। नॉट आउट, बहुत अच्छी अंपायरिंग, तेज महताब जी युवा नेता है, रवि जी जो पत्रकार है, प्रिंस जी पत्रकार है, सन्नी जी जो पत्रकार है, नवीन सिंह जी पत्रकार है, मनीष रज भी पत्रकार ही है, और इरशाद जी है वो सफदर इरशाद जी जो छात्र नेता AISI। सभी अतिथियों का अभिनंदन है स्वर्गीय शिवराय, स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट का आज शानदार मैच चलता हुआ तमाम दर्शकों के बीच। आज ये पहले सीजन का हम लोग अब यहाँ से कुछ लम्हों के बाद मेरे दोस्त हम सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर से यकीन फिर से उसको खेल दिया, उसके पीछे खिलाड़ी है अच्छे फील्डर वहां पर संरक्षण के द्वारा, और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो 10 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 90 रन। 90 रन चार खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद 27 रन बना के आउट। नॉट आउट है गोविंदा जो अपने टीम के कैप्टन है, बिपिन जो 16 रन बना के आउट। नॉट आउट है 7 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्का है। अब यहां से जीतने के लिए चाहिए स्टार 11 मोजाफर को नीड 158 रन इन 64 एक 60 गेंदों में। जीतने के लिए चाहिए 158 रनों की जरूरत है, और ये जो सामने बाइक लगी हुई है होंडा की बाइक है, पहले स्प्लेंडर बाइक दिया जाए। जब टाइसन बांटा गया था और लीग मैच सेमीफाइनल में हम लोग स्प्लेंडर कप कह रहे थे, लेकिन आज मैं उस आयोजनकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस होंडा कप का नाम दे दिया है। लगभग स्प्लेंडर से 30,000 ज्यादा इसमें इनामी राशि को ऐड कर दिया गया है। आज कौन सी टीम विजेता बनती है वो तो समय ही बताएगा। आइए एक बार फिर से मैं इनामों के दौर में चलता हूं। शानदार इनाम है तमाम
आज कौन से प्लेयर मैन ऑफ द मैच, अगर मैन ऑफ द मैच में टोटल उपहार जोड़ दिया जाए तो एक दो तीन थैला की जरूरत पड़ जाएगा कोई भी खिलाड़ी को। लेकिन क्या बल्लेबाजी करके दिया है आज भी सुधांशु ने, लीग मैच सेमीफाइनल और फाइनल में बहुत अच्छे बल्लेबाजी करके दिया सुधांशु जो दो अलेवन टीम के विकेट कीपर है। वहाँ पे बाइक खड़ी है भाई, देख सकते हैं विजेता टीम और अपविजेता टीम को महुआ अल्ट्रासाउंड जिनके ऑनर है मुकेश जी, उनके तरफ से शानदार कूलर दिया जाएगा आज अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज का थोड़ा सा नाम रोहित, सेम इनका जो बॉडी का जो शरीर का जो बनावट है अंकित सिंह कलकी के तरह दिख रहे हैं। फिर से ये गेंद बहुत अच्छा गेंद का फिर तेज गति के गेंदबाजी रोहित के द्वारा, युवा तेज गेंदबाज, क्या कमबैक किया है, क्या परिवर्तन किया है आज टीम में, तीन तीन परिवर्तन है। बहुत तेज गति की गेंदबाजी करते हुए रोहित, रोहित अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद और पिपिन के बल्ले से निकलता हुआ वाड़ा स्कूल छक्का, किसी सिर्फ छक्का, मोबाइल घर छक्का, मोबाइल छक्का, तमाम दुकानदारों का अभिनंदन है। खासकर आज विजेता टीम को मोगनीज के जो ऑनर है नीली सिंह उनके तरफ से विजेता टीम को दो पाउंड का किक दिया जाएगा, उप विजेता टीम को एक पाउंड का किक दिया जाएगा आज। अंपायर का इशारा, छह रन, दो गेंदों पर दो छक्का लगा दिया है, गति वाला तेज अच्छा फेंक रहा था और हैट्रिक छक्का पर फिर से आ गया है विपिन। क्या जलवा है, एक समय लग रही थी कि बहुत टूर्नामेंट एक रोमांच की ओर जा रहा था दोस्त, मैं फिर से बता दूं कि हैट्रिक छक्के का जो इनाम है डिजार्ट टेक कंप्यूटर उनके तरफ से, हैट्रिक छक्के पे 1100, रोमी यादव के तरफ से 1100, सुजीत कुमार शिक्षक उनके तरफ से 1100, गोविंदा एक सेकंड बता रहा हूँ गोविंदा छक्के पे इनाम है वो है आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके तरफ से भी 1500, लेकिन चूंकि यहाँ पे आज इनामों की पूरी बरसात है, बहुत ऐसे कम इनाम होते हैं, खासकर यूपी में जितने ट्रॉफी होती है जितने टूर्नामेंट होते हैं वहां पे खिलाड़ी और कमेंट्री करने वाले की रेस जेबी भरी होती है। 22 गेंद पे 40 रन बना के खेले गोविंदा, सभी लोगों को बख्शीश बहुत अच्छा वहां पे इनाम मिलता है। तमाम मैं उत्तर प्रदेश की सैल्यूट करता हूँ, वहां पे तमाम ग्राउंड का जो जिन्होंने खूबसूरत बना के दिया उसके जवाब में आज चंदन 11 की टीम जो व्यवस्थापक था रोशन आनंद बाबा उन्होंने भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया। भाई देख लो वहाँ पे खड़ी है स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट, नीचे ट्रैफिक नीचे नजारे, अभी आउट नहीं हुआ भाई, अभी आना बाकी है उनका। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 103। फिर से बोलो वाह, विपिन के बल्ले से निकलता हुआ अंपायर का इशारा अभी भी आना छक्का। तमाम दर्शक जगन से भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा सूरज की रोशनी के कारण हम लोगों को भी दिक्कत होती है और इस छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 109 रन बराबर हर प्रगति पे है। 109 रन बराबर गोली चल रहा है, क्रॉस किया ये गेंद अच्छी गेंदबाजी, बैक टू बैक बैक टू चेक राइट, कोई डर नहीं कोई नुकसान नहीं, 109 रन स्कोर है स्टार 11 मुजफ्फरपुर टीम का। ये स्टार 11 एक ऐसी टीम है अभी अभी लगभग ये दो तीन मैचों में मैंने इन्हें देखा है, दो बार फाइनल मैच में मुझे मौका मिला था, वो वैष्णवी कप की विजेता टीम, बाइक कप की विजेता टीम, नहीं करता भाई मैं लाइव दिखाता हूं भाई, तेज हुड्डा कप, बहुत अच्छी गेंद बहुत अच्छा गेंद थी, बैट पे बॉल आने दिया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर 109। आज विपिन भाई बता रहे हैं, एक सेकंड बता रहा हूं, अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आज हमारे साथी कमेंटेटर 8 गेंद पे 22 रन विपिन भाई बना चुके हैं, जो शुरुआत हुआ था वो पिंकू 11 बक्सापा बनाम आरसीसी के बीच जिसमें रानी हर्षी जगीर अच्छी गेंदबाजी मान अच्छा लेकिन बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं, गोविंद अपने बल्लेबाज विपिन
को कुछ समझाते हुए तो आरसीसी मुस्लिम उसकी क्या कैप्टन थी, लेकिन अंतिम लम्हों में बल्लेबाजी करके दिया टिंकू अनादर को इमरान बिक्की ने और मैच को फ्रीज कर दिया। कृषि यकीन को धीरे बल्ले संभालना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले बैट का संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा वन बाउंस का, अभी भी स्कोर रुका हुआ 109। कौन सी टीम विजेता बनेगी वो तो समय ही बताएगा। तमाम दर्शकों के बीच ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट चलता हुआ, धर्माधर चलता हुआ 109। चार खिलाड़ी पवेलियन जाने के बाद बीबी ने उसको खेल दिया है, उसके पीछे खिलाड़ी छोटू है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्टार अलावा मुजफ्फरपुर का जा पहुंचा स्कोर 110 रन। समाप्त होता हुआ अब चलते ही शेर के सीधा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में तमाम अतिथियों का अभिनंदन है। जफर इंजन को फॉलो भी कर ले, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना भाई, जफर इंजन को तमाम दर्शकों का भी अभिनंदन है। आइए अब चलते हैं आगे का खेल का विवरण हम अपने साथी कमेंटेटर धर्मेंद्र सिंह जी के पास। धन्यवाद मनीष, और गेंदबाजी में एक बार फिर से कंटिन्यू लेकर के आए हैं रोहित को, जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि दबाव में दिख रही है। यहां से विपिन और गोविंदा ने थोड़ा सा गियर बदला है, कुछ रन उन्होंने जरूर बनाए हैं, तेज बल्लेबाजी करने का प्रयास यहां पर हो रहा है, लेकिन ये प्रयास क्या काफी साबित होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। गोविंदा जो कि देर से स्ट्राइक पर नहीं है, गोविंदा तेज पाली खेल रहे हैं, कप्तानी पाली खेल रहे हैं, 22 गेंदों का सामना उन्होंने किया है और 40 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चार बार गेंद को सीमा रेखा के पार उन्होंने हवा में तैरते हुए भेजा है, तो देव दो बार गेंद को एक बार फिर से खेला है, कवर के क्षेत्र में वहां पर विवेक मौजूद, जब तक वो गेंद को उठाए रन बनाने का मौका यहां पर, और रन बनाने के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ। गोविंदा जो कि स्ट्राइक पर रखना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विपिन के ऊपर ज्यादा भरोसा उन्होंने दिखाया है, 14 गेंदों का सामना किया है, 24 रन बना करके विपिन भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 171 का स्ट्राइक रेट और गेंद को खेला है, बैक टू द बॉलर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, भी जब तक गेंद को उठाते तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका रन बनाने का। यहां पर रन ये सिंगल डबल जो आ रहे हैं इससे स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी और जब गेंद खराब मिलेगी तो उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देंगे। पिछले ओवर में विपिन को एक दो मौकों पर मैंने देखा कि वो गेंद को खेलने के बाद रन के लिए गए नहीं, हालांकि इच्छा गोविंदा ने जरूर जताई थी, गेंद को कलाइयों के सहारे खेलना चाहते थे, पूरे तरीके से गेंद आई नहीं, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के वहीं पर चक्कराती हुई ट्रबल करती हुई चक्कर खेलने काट रही थी आसपास का एरिया जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉट का एरिया होता वहां पर, लेकिन एक रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। रोहित तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं और इस ओवर में ज्यादा मौका उन्होंने दिया नहीं, पिछले ओवर में उनके मौका बना था जब गेंद को सीमा रेखा के बाहर कई बार पहुंचाया था विपिन ने, अच्छी गेंद यहां पर, तेज गेंद परेशान करती हुई विपिन को, विपिन जो कि देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, संभवतः वो कुछ अंपायर के साथ चर्चा करना चाह रहे हैं, गेंद को संभवतः वो बदलना चाह रहे हैं, गेंद संभवतः उनकी समझ में आ नहीं रही है और गेंद को परिवर्तित करने का जो मन, स्कोर बोर्ड पर 114 रन 4 विकेट का नुकसान जबकि पाली का यह 13वां ओवर फेंका जा रहा है। एक बार फिर से अच्छी गेंद यहां पर बल्लेबाज को परेशान करती हुई विकेट के पीछे आती हुई, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 13 ओवरों का खेल हो जाने के बाद स्कोर बोर्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बना हुआ है। यहां से मुकाबले को जीतने के लिए 134 रनों की जरूरत है जबकि पाली से मात्र 7 ओवर बचे, गेंदें शेष रह गई है, 42 गेंद पे 107 रन, 19 रन से भी ज्यादा की तरफ पहुंच गया है, प्रति ओवर 19 रन से ज्यादा 19.14 रन, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि ये मैदान छोटा है, टेनिस क्रिकेट का मुकाबला हो रहा है, बहुत सारे बल्लेबाज अभी डकआउट में बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, डेंजर राजा बैठे हुए हैं, नजारे नजारे भी बैठे हुए हैं, गोविंदा स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर विपिन है, यदि दो ओवर कोई ऐसा निकल जाए जहां 20-20 25-25 रन निकल जाए तो दबाव जो बना हुआ है वो दबाव कम हो जाएगा, कोई ओवर ऐसा निकल जाए कि जिस तरीके से
गुर्जर ने एक ओवर में 5 छक्का लगा दिया था, कोई ऐसा ओवर आ जाए तो ये दबाव कम हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ किसी को मृत्युंजय बनना होगा, किसी को तुषार बनना होगा, तब मुकाबले में आप वापसी कर सकते हैं। कल सेमीफाइनल मुकाबले में इसी टीम के खिलाफ जो कि गोविंदा की टीम स्टार 11 मुजफ्फरपुर के खिलाफ तुषार और मृत्युंजय की 42 पे चाहिए 134 रन भाई, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा विकेट कीपर नहीं जिन्होंने शुरुआत से ही बहुत ज्यादा गेंदें खेली थी। इमरान विक्की ने ज्यादा गेंदें जाया की थी जिसकी वजह से मुकाबला उनके हाथ से निकल गया, अन्यथा जिस तरीके से बल्लेबाजी बाद में की थी तुषार ने और मृत्युंजय ने तो आज यहाँ शायद तुषार और मृत्युंजय की टीम खेल रही होती, लेकिन सब कुछ परिस्थितियों से पार पाते हुए गोविंदा ने अंतिम समय तक अपने गेंदबाजों के ऊपर जो भरोसा जताया था कुंदन मलिंगा की तारीफ होगी, उन्होंने अंतिम ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी की थी तो आज यहाँ पर फाइनल खेलने का श्रेय हासिल हुआ है मुजफ्फर 11 की टीम को, मुजफ्फर स्टार 11 की टीम को गोविंदा की कप्तानी में। हालांकि टॉस जीत लिया था कप्तान सुप्रीम ने और जो बल्लेबाजी का उनका फैसला रहा था वो कुछ हद तक सही साबित होता हुआ अभी यहाँ, हालांकि बहुत सारे गेंदे आने बाकी है, 42 गेंदों पर 134 रन और गेंदबाजी में परिवर्तन गोलू के रूप में, गोलू की गेंद शॉर्ट पिच और उसको ऊंचा खेलने का प्रयास किया, उसके नीचे कोई खिलाड़ी है, जी हाँ यहाँ पर विकेट मिलता हुआ सफलता दिला दी है गोलू ने। मैं चर्चा कर रहा था कि गोलू को शामिल किया गया है अंकित और अनश की जगह शामिल किया गया है आलोक को, ये वो पूरा जम्मा यहाँ पर निकालते हुए उन खिलाड़ियों की कमी पूरी करते हुए प्लेइंग 11 में जो मौका मिला है ये साबित कर रहे हैं कि यदि अंकित और अनश आज आपकी टीम के साथ नहीं है तो जो मुझे मौका दिया है मैं उस मौके पर उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और गोलू की तारीफ करनी होगी। विकेट गिरता हुआ यहाँ पर वापस जाते हुए और अब बल्लेबाजी करने के लिए प्रिंस मैदान पर आते हुए, प्रिंस के ऊपर बड़ा दबाव है, विपिन जो कि नॉन स्ट्राइक पर है वो इस बात को जानते हैं कि ये विकेट जो गिरा है ये विकेट सिर्फ गोविंदा का विकेट नहीं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे सर के ऊपर हो गया है, 1500 रुपयों का पुरस्कार भी क्रेडिट कर दिया जाएगा गोलू के खाते में, 1000 बताने में नजारे नहीं आए, प्रिंस आए हैं रोहित मिश्रा की तरफ से और 500 रुपए का पुरस्कार लल्ला की तरफ से, ऋषभ सिंह लल्ला की तरफ से, पहली पाली में 500 रुपए हर छक्के पर रखा था रोहित मिश्रा ने और दूसरी पाली में अपनी टीम के लिए, इस टीम का संबंधों में समर्थन कर रहे हैं, ये 11 शैली की टीम का वो समर्थन कर रहे हैं और अपने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए जिस तरीके से वो पैसे हवा में उड़ा रहे हैं तारीफ करनी होगी। पहले जब टीम बल्लेबाजी उनकी की थी तो 23 छक्के लगे थे और वो पैसा उन्होंने यहाँ जमा करवा दिया है, 5 विकेट गिरे हैं तो वो पैसे भी वो जमा करवा देंगे। गोलू इसीलिए कैप्टन से तैयार होते हुए बल्लेबाज प्रिंस के लिए आने के साथ वो उनकी परीक्षा लेते हुए शॉर्ट पिच पर तेज गेंद सुधांशु के पास पहुंचते हुए बल्लेबाज प्रिंस को परेशान करते हुए गोलू के खाते में एक और डॉट बॉल, टीम के खाते में एक और डॉट बॉल जाती हुई यहाँ पर, क्या यहाँ से पार पाना संभव दिखाई दे रहा है मुजफ्फरपुर स्टार 11 के लिए। हालांकि नॉन स्ट्राइक पर विपिन अभी भी कोई ऐसा हार मानने को तैयार नहीं, संभवतः शूलेश वहां पर खुला हुआ है, बोगी 11 वैशाली की टीम के साथ विवेक गुप्ता जुड़े हुए हैं और ये हम सभी के लिए यहाँ के दर्शकों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है कि विवेक गुप्ता जो कि कार्यवाहक कप्तान की भूमिका में अपनी टीम की तरफ से और वो भाई थैंक यू सो मच भाई और वो रणजी ट्रॉफी इसी बीच वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त के लिए गेंद जाती हुई बिहार रणजी टीम का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अभी वो टेनिस क्रिकेट में अपने हाथ आजमा रहे हैं। इस मैदान पर उन्हें देखना हम सभी के लिए सुखद है और कल हम सभी लोगों ने टेनिस क्रिकेट के नेशनल खिलाड़ी अंकित को देखा था, परसों इस मैदान पर अमर शेख को देखा था, तो पहला ही वर्ष इस प्रतियोगिता के लिए बहुत शानदार रहा और शानदार क्यों ना हो, जिस तरीके से चंदन 11 की टीम ने इस पूरी प्रतियोगिता को सफल बनाने का जो काम किया है आयोजक रोमी यादव जी की अध्यक्षता में और उनके साथ इस महुआ नगर परिषद के सभापति जी नवीन चंद्र भारती जी भी पूरा सहयोग कंधे से कंधा मिला करके दे रहे हैं, तमाम जो आयोजन समिति से जुड़े हुए अतिथि हैं सतेंद्र राय जी हैं, नो बॉल का इशारा इसी बीच आता हुआ, फ्री हिट का मौका होगा, ये अतिरिक्त गेंद और अतिरिक्त रन कहीं बाद में जोखिम न बन जाए, हालांकि इस तरीके की गेंदों की
मुजफ्फरपुर स्टार 11 की टीम को, क्या वो इस गेंद पर बाउंड्री निकाल पाएंगे। ज्यादा मौके इस मैदान पर मिल नहीं रहे हैं, जो फ्री हिट का मौका होता है वो ज्यादातर जय ही हो जा रहा है। दोनों एक बार फिर से तैयार, क्लीन बॉल चली गई, फ्री हिट है भाई, नो गेंद पर होल्ड आउट तो जरूर किया लेकिन मान्य वो होगा नहीं। सिर्फ दो ही मौके होंगे जब नो बॉल फ्री हिट पर आप आउट हो सकते हैं, या तो आप रन आउट हो जाए या तो आप हैंडल द बॉल हो जाए। गेंद को बिना अंपायर और विपक्षी कप्तान की मर्जी के यदि आप टच कर जाएंगे तो भी आप आउट होंगे रन आउट के मौके के अलावा। और एक तीसरा मौका और भी होगा यदि कप्तान की नजर में यह आए कि आपने क्षेत्ररक्षक को बाधा पहुंचाई है किसी तरीके से गेंद को उठाने में, और ऐसा लगेगा कि यह खेल के प्रति अमानवीय व्यवहार आपका है, तो आप आउट हो जाएंगे। इसी बीच एक बार फिर से गोल तैयार, क्योंकि एकदम सटीक टप्पा जो गिराना होता है उसके लिए अंतिम समय तक गेंद को देखना होता है और तेज गेंद करने के बाद अपने शरीर को बैलेंस करना होता है, लेकिन वो बैलेंस यहाँ पर बनाते हुए अपने पीछे जाती हुई गेंद पर अंतिम समय हाथ लगाते हुए बोलो तैयार। बल्लेबाज ने प्रयास जो शुरुआत में गेंद मिली थी बैकवर्ड के पीछे निकलती हुई छक्के के लिए, यह छक्का आता हुआ ओवर की समाप्ति की घोषणा, और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रन दर्ज है 14 ओवर 123 रन 5 विकेट। अब यहां से मुकाबले को जीतने के लिए प्रति ओवर 20.83 के हिसाब से रन बनाना है, लगभग 21 रन प्रति ओवर, 36 गेंदे और 125 रन। और अब संभवतः कप्तान का मैसेज लेकर के आए होंगे बाबा खिलाड़ी विपिन के साथ बात करने के लिए। मैसेज तो उन्होंने दे दिया है, बल्ला भी परिवर्तित कर लिया है जो पहले मुझे लगता है बचे हुए भाई, जो लोग देखे जफर इज्जत को फॉलो कर लेना चाहेंगे, या पहले भारी बल्ला रहा होगा अब हल्का बल्ला आया होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लों का जो वजन होता है 38 इंच उसकी लंबाई होनी चाहिए, उससे ज्यादा उसकी लंबाई हो नहीं सकती। और जो उसका वजन होता है अभी तक जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा वजनी बल्ले से खेल खेला है उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे ऊंचे पायदान पर आता है, डेविड वार्नर का नाम आता है, सचिन तेंदुलकर के नाम 1.400 ग्राम तक का बल्ला उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने सबसे भारी बल्ले का उपयोग किया है। और यहाँ बल्ला बीच में मैदान पर परिवर्तित होता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रिंस के लिए, गेंदबाजी का जिम्मा रोहित के ऊपर। अच्छी गेंद यहाँ पर बल्लेबाज के ठिकाने में गिरती हुई, एकदम उसे परेशान करती हुई यार्कर लेंथ की गेंद थी, बल्ला चलाया था वहां पर अक्रॉस द लाइन ऑन साइड पर, वो गेंद को खेलना चाहते थे, कामयाब हुए नहीं, विकेट कीपर के पास गेंद पहुंचते हुए रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। एक और डॉट बॉल यहाँ पर और यहां से स्कोर देर से अंपायर का फैसला वाइड के लिए आता हुआ, और जो गेंद शॉट में मिली उसे सीमा रेखा के पार बैकवर्ड स्क्वायर से पहुंचाते हुए छक्के के लिए, प्रिंस के खाते में जुड़ता हुआ छक्का। और अंपायर विक्रम का जो फैसला वाइड का आया था देर से, इस तरीके से फैसले देने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आप सभी जो पुराने क्रिकेट प्रशंसक हैं आपको पता होगा स्टीव बकनर का नाम आता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज टीम के वो अंपायर जो बहुत सारे मौकों पर जब निर्णय माना जाता था उनसे और अपने अपने फील्ड प्लेसमेंट पर खिलाड़ी वापस चले जाए करते थे तब जाकर के उनका निर्णय आता था, इतने देर से अंपायरिंग के फैसले उनके आते थे, उसी तरीके का कुछ फैसला इस मैच विक्रम की तरफ से आता हुआ। हालांकि स्टीव बकनर के नाम सबसे बेईमान अंपायरों का भी नाम जुड़ा हुआ है, उन्हें फाउल अंपायर विश्व क्रिकेट में कहा जाता है। क्रिकेट की भाषा में जो अंपायर बेईमानी करे उसे बेईमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भद्रजनक का वो खेल होता है तो उसमें उस अंपायर के नाम फाउल लग जाता है, उन्हें फाउल अंपायर कहा जाता है। और आप सभी क्रिकेट प्रशंसकों को मैं बताऊं सिर्फ स्टीव बकनर की वजह से। इसी बीच रोहित की गेंद तो खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है, बोलू क्या गेंद पकड़ा जाएगा, सफलता मिलती हुई यहाँ पर, खाते में एक और विकेट जुटता हुआ टीम के, एक विकेट जुटता हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर विकेट के साथ क्रेडिट होता हुआ 1000 रुपया रोहित मिश्रा की तरफ से और लल्ला की तरफ से 500 रुपया। मैं चर्चा कर रहा था स्टीव बकनर के बारे में और आप सभी क्रिकेट प्रशंसकों को मैं बताऊं जो DRS सिस्टम यहां पर आप देख रहे हैं ये पुनः
निर्णय समीक्षा प्रणाली जिसे हिंदी में कहा जाता है, राहुल अंपायर स्टीव बकनर की वजह से लेकर के आईसीसी आई थी, क्योंकि वो बार बार मैदान में बेईमानी किया करते थे, फाउल किया करते थे, तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का फैसला किया कि इस तरीके से तो हमारी टीम हार जाया करती है, तो ये निर्णय आरएस लेकर के आई थी टीम आईसीसी की, ये स्टीव बकनर की वजह से हुआ था। और अब देर से बल्लेबाजी के लिए आते हुए, हालांकि नजारे के लिए कोई देर होती नहीं, जिनका नाम ही नजारे हो वो मैदान पर कोई नजारा प्रस्तुत कर सकते हैं, क्या वो नजारा यहाँ पर टीम मुजफ्फरपुर स्टार 11 के लिए होगा, रोहित के सामने होंगे। पिछली गेंद पर विकेट की खुराक, जब स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच आउट कराया था गोलू के हाथों, रोहित तैयार नजारे के लिए, गेंद को खेला है उस क्षेत्र में छोटू मौजूद, लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र जहां पर खिलाड़ी क्षेत्र रक्षण करे, तब तक मौका बल्लेबाजों के पास, शुरुआत करने का नजारे के पास, एक रन खाते में जुड़ता हुआ 14.3 ओवरों का, 4 ओवरों का खेल हुआ है, 131 रन, 6 विकेटों का नुकसान हुआ है, और अब 4 विकेट के सहारे फिर से गेंद को ऊंचा खेला है, यहां पर बता ना भाई, एक से 31 से 7 विकेट के नुकसान पे, 14.5 गेंद पे पशुपति पारस जी, जो कि भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसके बाद प्रतियोगिता का समापन होगा। ये चमचमाती हुई बाइक जो कि SP125 होंडा भाई, आप सभी का भाई वेंडर कप नाम दिया गया था और अब ये होंडा कप हो चुका है। 31 बार पे 170 रन चाहिए, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, इतना सारा पुरस्कार। रन, 7 विकेट, 14 ओवर, 5 गेंदों का खेल हुआ है, हमारे लाइव के हिसाब से 14 ओवर 5 गेंदों का खेल, पता था तुम्हें तो। इस पूरी प्रतियोगिता को आप पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक फेसबुक पेज पर जफर एंजेट, तो वही लाइव यूट्यूब पर A+ स्पोर्ट्स चैनल, जो कि बैंगलोर से आई हुई टीम है, पूरी प्रतियोगिता को कवर कर रही है, प्रतिदिन इस प्रतियोगिता का जो भी मुकाबला हो रहा है उसे ऑफलाइन भी समाचार पत्रों में प्रसारित किया जा रहा है। आयोजन समिति उन समाचार पत्रों के आए हुए पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद अदा करती है। रोहित एक बार फिर कंटिन्यू, बल्लेबाज बाबा, और एक बार फिर खाते में क्रेडिट होगा 1500 रुपयों का पुरस्कार, 1000 रुपए रोहित मिश्रा की तरफ से, तो 500 रुपए लल्ला की तरफ से, शानदार पुरस्कार पूरी प्रतियोगिता में आज दिल खोल दिया है। रियाज अहमद भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। मुझे लगता है जब फाइनल प्राइज सेरेमनी होगा इस मैदान पर, तो आज रोहित के खाते में सिर्फ इस ओवर को यदि जोड़ लिया जाए, सिर्फ इस ओवर में रोहित ने जो गेंदबाजी की है, रोहित का हालांकि पूरा जो गेंदबाजी विश्लेषण है, 3 ओवर 25 रन, 3 विकेटों का उनको फायदा मिला है, उनके खाते में 3 विकेट दर्ज है। नजारे होंगे सामने, बाबा होंगे नॉन स्ट्राइक पर, और गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर कर लिया गया है। सुप्रीम टीम के कप्तान एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 2 विकेट हाथ में सुरक्षित है, जबकि 30 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और इन 30
गेंदों पर 117 रनों की जरूरत। मुकाबले को यहां कौन सी टीम जीतेगी ये अभी घोषणा करना गलत होगा, लेकिन रेत की तरह निकाला जा रहा है मुट्ठी से यहां पर स्टार 11 मुजफ्फरपुर की टीम के हाथ से यह मुकाबला। नजारे के ऊपर अब सब कुछ निर्भर है कि नजारे क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। जब तक नजारे मैदान पर रहेंगे तब तक मुकाबला जीवित रहेगा। यदि नजारे का विकेट निकल जाता है तो मुकाबले में एक तरफा जीत हो जाएगी। सुप्रीम की गेंद यहाँ पर तेज गति से गई, परेशान करती हुई नजारे को। बाएं हाथ के बल्लेबाज लंबा कद काठी इनका ऑन साइड बहुत मजबूत है। नजारे ने कल यहाँ पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया था सेमीफाइनल मुकाबले में, मैन ऑफ द मैच बने थे, बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने जीते थे। सुप्रीम तैयार एक बार फिर। लक्ष्य से भटकती हुई गेंद वाइड का इशारा आता हुआ एक रन खाते में और जुटता हुआ। टॉस जीता था यहाँ सुप्रीम ने। जो दर्शक देर से जुड़े हुए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए उनके बताऊं 247 रन पहले बल्लेबाजी करती हुई होगी 11 वैशाली की टीम ने बनाया है और 248 रन विनिंग टारगेट, लेकिन उस विनिंग टारगेट से बहुत दूर दिखाई दे रही है। नजारे सुरक्षित करते हुए जीत अपनी टीम के लिए। सुप्रीम के खाते में पर टीम आकर के वहां शाबाशी देती हुई। दर्शकों को यह पता चल चुका है, दर्शकों ने अपना स्थान छोड़ दिया है। बोगी 11 के खिलाड़ी अपने मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे हैं, उनको पता है। और कप्तान सुप्रीम को आप देख सकते हैं विवेक के साथ खुशियां मनाते हुए, एक दूसरे को जाकर के शाबाशी देते हुए सैनी जा रहे हैं अपने खिलाड़ियों के पास। और अब अंतिम विकेट मैदान पर आता हुआ बुमराह के रूप में, अंतिम विकेट बुमराह के रूप में। ये कितनी देर तक मैदान पर टिके रहेंगे? पहला ही वर्ष स्वर्गीय शिवराय जी की स्मृति में खेली जा रही ये क्रिकेट प्रतियोगिता महुआ के क्रिकेट मैदान पर। महुआ का ये नगर परिषद का मैदान जहां पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन और पहला ही वर्ष धमाकेदार शुरुआत यहां पर। हालांकि अगले वर्ष शायद इस प्रतियोगिता को रात्रिकालीन कराने का मन सुप्रीम अपने ओवर में। बल्लेबाज बुमराह के लिए गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र में, वहां पर अभिषेक आनंद दौड़ करके जाते हुए गेंद को उठाने का प्रयास, वहां पर रन आउट करने का मौका वो चाहते थे। और अब कंधे पूरे तरीके से झुके हुए दिखाई दे रहे हैं इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। बाबा दिखाए स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर बुमराह को देख सकते हैं। उन्हें पता है कि जहां ही हमारा विकेट गिरेगा इस पाली की अंत हो जाएगा, इस पाली की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। स्लॉट में जैसे ही गेंद आई इस पर लेग सीमा देखा छक्के के लिए जाता हुआ यह बाबा। कुछ दर्शनीय स्ट्रोक यहां पर दर्शकों का मनोरंजन करने का प्रयास। और सुप्रीम इस ओवर में छक्का खाने के बाद एक बार फिर से तैयार है 139 रन, 9 विकेटों का पतन हो चुका है। चलो आगे स्टेज के लाइट बंद करेगा, लाइट बंद करो, रो रहे रख दीजिए उसको, लेक चलिए पहले क्या रहा उसको लेक चलिए, सही लेक चलिए।
चलिए कि कृपया आप बैरिकेडिंग के बाहर रहे, आप नाचिए जाइए जश्न मनाइए, ये मौका है, ये मौका है, लेकिन आप कृपया बैरिकेडिंग के बाहर रहे। आप मुझे अंदर लेकर चलिए, खोल रहे ना दीजिए, वहाँ पे लगाऊंगा ना, जश्न मनाने का मौका आपको मिला हुआ है, पूरे तरीके से आप जश्न मनाइए। और आप मैं प्राइस सेरेमनी में मिलता हूँ आप लोगों से।